हाय गाइस, वेलकम टू न्यू माई चैनल। फिर से मेरे एक बार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश होंगे। आपकी प्यारी प्यारी बड़ी दुआओं से मैं भी खुश रहूँगी। तो देखिए, ये मेरे लाइफ का है फर्स्ट ब्लॉग। मेरा नाम सुषमा डेमो, मैं यूपी के फतेहपुर ज़िले से एक छोटे से गाँव और पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा फिर आपको नया नया दिखता होगा। तो मेरा फ्रेंड्स, ये रहा लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग। तो देखिए, मंजिल पाने के लिए हर इंसान को किसी न किसी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे भी मंजिल पाने के लिए मुझे आपका प्यार और आपका सपोर्ट है। तो मैं आज मेरे लास्ट तक वीडियो में बने रहें, सब कुछ दिखाती हूँ। देखिए, मैं अपने पापा से आपको मिलाती हूँ। दोस्तों, हम आ गए, यही है हमारे पर्व। देखो प्रिय भाइयों, किसान बहनों, किसान भाइयों, हम टमाटर और परवल की खेती एक साथ जो है कर रहे हैं और इस ढंग से करने से अच्छा फायदा होता है। देख लीजिए, अगर आपको हमारी खेती अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। चलिए, हम अपने मम्मी से अभी मिलवा रहे हैं। मम्मी हमारी क्या काम। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अमरूद के पेड़ के नीचे आ गए। ये है मेरे अमरूद का पेड़, देखिए प्यारा सा। ये देखिए, नन्ही नन्ही अमरूद लगी है, अभी पक नहीं गई। भूख लगी है फ्रेंड्स, हमें लगी है भूख। हमको मिल गए टमाटर खाने के लिए। ये देखिए, हम तोड़े पहले खाए टमाटर। आपको भी खाना हो तो आ जाइए, मम्मी से मुलाकात आपकी बाद में करवा। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा, ये मूंग उड़द का खेत। तो मूंग उड़द सब कटकर कंप्लीट हो गई है, खेत पड़ा हुआ है। अब इसमें धान बोया जाए कुछ, अब तो पापा बता सकते हैं। हम आ गए मम्मा के पास। ये देखिए, इसमें क्या बनेगा, सूप और क्या बनेगा, छप्पर बनेगा। ये देखिए, फिर रहे ना, यही सब हम लोगन के ना मिट्टी का घर बना हुआ है। तो सारी व्यवस्थाएं, छानी बनाना और क्या कोठरी बनाना सब इसी से काम होता है। ये देखो, अब बच्चे खेलने के लिए इसको भी ले जाते हैं। हमारे घर में कोई खेलने वाला है ही नहीं है तो इसको खेले। अब आए हैं, थोड़ी से मम्मी की मदद करवा दिया जाए। देखो, अब ध्यान में दो ना, पता है जैसे चाकू काट, चाकू लग जाता है उंगलियों में सब्जी वब्जी काटें, उसी तरह ये भी निकल, इसमें से भी चाकू का जैसे काम करता है। ये देखो, इस तरह से ये रही। ये देखिए, ये हमारा छप्पर है, हम लोग ऐसे रहते हैं। ये हमारा छप्पर है, इधर हमारे चुलबुली के लिए भोजन तैयार है। वो मेरी चुलबुली बंधी है। क्या भैया?